नमस्कार, आप देख रहे हैं देख न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश रमेश चंद्र लाहोटी के निधन पर शोक जताया और कहा कि न्यायपालिका के क्षेत्र में योगदान और वंचितों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के उनके प्रयासों के लिए उन्हें याद किया जाएगा। जस्टिस लाहोटी का बुधवार शाम राजधानी दिल्ली स्थित एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 81 वर्ष के थे। जस्टिस लाहोटी को 1 जून 2004 को भारत के 35वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया था। वह 1 नवंबर 2005 को रिटायर हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, पूर्व न्यायाधीश आरसी लाहोटी के निधन से दुखी हूं। न्यायपालिका के क्षेत्र में योगदान और वंचितों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करने पर उनके जोर के लिए उन्हें याद किया जाएगा। मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों व उनके चाहने वालों के साथ है। इसी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जस्टिस लाहोटी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सीएम चौहान ने अपने शोक संदेश में कहा कि लाहोटी का निधन देश और प्रदेश की अपूर्णीय क्षति है। वह मध्य प्रदेश के गौरव थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के गुना जिले से जुड़े लाहोटी न्यायपालिका क्षेत्र के एक मजबूत स्तंभ थे। साथ ही MPA के BJP अध्यक्ष VD शर्मा ने अपने शोक संदेश में कहा कि लाहोटी ने न्याय व्यवस्था में उच्च आदर्शों को स्थापित किया। हम भी पूरे देख न्यूज परिवार की तरफ से जस्टिस लाहोटी के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं और साथ ही हम प्रार्थना करते हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बाकी ऐसी तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए देख न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।